अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। बात करते हैं नाग पंचमी पर विशेष शिव पूजा के बारे में। नाग पंचमी पर हमें किस प्रकार से शिवलिंग पूजन करना चाहिए और नागों के निमित्त हम क्या विशेष इस दिन कर सकते हैं। देखिए, नागों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, चाहे वो कुंडलिनी शक्ति स्वरूप नाग हो या फिर हमारे कुल में जो देवी देवता विद्यमान है उनके स्वरूप को लेकर के। नाग सदैव हमारे स्वामी का आभूषण भी रहे हैं, तो नागों का अपने आप में बहुत महत्व होता है। स्वामी के तो हमारे आभूषण ही नाग है। तो नागों बहुत सारे शिव भक्त या फिर अन्य भक्त जो हैं वो सोचते हैं कि उनके कुंडली में कोई दोष है, कोई सर्प से संबंधित दोष है, काल सर्प है या फिर नाग दोष, बहुत सारे जो दोष होते हैं। एक शिव भक्त को सदैव निश्चिंत होना चाहिए क्योंकि कोई भी दोष उसके ऊपर लागू नहीं होता है। जो शिव भक्त नित्य शिवलिंग पूजा करते हैं, जो लिंगार्चन करते हैं, उनको दोष होना तो दूर की बात है, उल्टा उन ग्रह नक्षत्रों, उन नागों से या फिर जो भी होते हैं उन सबसे आशीर्वाद प्राप्त होता है, चाहे वो दस दिक्पाल हो या फिर कोई भी हो। वो सदैव शिवलिंग पूजा करने वाले को आशीर्वाद ही देते हैं। और एक शिव भक्त को सदैव निश्चिंत होना चाहिए कि वो शिव पूजा में रत है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता कर रहा है। उसका जो युद्ध होता है वो स्वयं के साथ ही होता है, उनकी इंद्रियों के साथ होता है, उनकी भावनाओं के साथ होता है। वो सभी चीजें हमें स्वामी में ही लीन कर देनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण निहित होता है। और रही बात नागों की, तो नाग एक शिवलिंग पूजा करने वाले की सदैव मदद करते हैं, सदैव सहायता करते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या विशेष इस दिन कर सकते हैं। 9 अगस्त शुक्रवार नाग पंचमी के दिन क्या हमें विशेष करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। तो इस दिन आपको अभिषेक शिवलिंग का गाय के दूध के साथ करना है। गाय के दूध को लेकर के और किस प्रकार से करना है वो भी तरीका मैं आप सभी से वक्त को बता देता हूँ। नागवल्ली का पत्ता होता है या फिर जिसे पान का पत्ता हम कहते हैं, या स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये पान का पत्ता, इसका आगे का भाग तोड़ लीजिए और पीछे का डंठल हटा दीजिए। अब जो पत्ता आपके पास मध्य का बचेगा उसको आप सूपाकार पकड़िए, इस प्रकार से जैसा पत्ता फैला हुआ होता है उसको थोड़ा सा ऐसा बेंड करके सूपाकार बना लीजिए और यहाँ से आप दूध डालिए। वो दूध, ये जो पत्ता होगा ये पात्र का आपका कार्य करेगा, दूध इससे फिसलता हुआ शिवलिंग के ऊपर जाए। और मन ही मन भक्ति भाव से, जितना अधिक भक्ति भाव आप हृदय में रखेंगे इस समय, आप नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करिए। और ज्यादा पावर आपको इस दिन यदि फील करनी है तो अरुणाचल शिव बोलते हुए आप मन ही मन अरुणाचल शिव या नमः सोनाद्रिनाथाय बोलते हुए शिवलिंग का अभिषेक इस गाय के दूध से करिए। एक अद्भुत अनुभूति आपको प्राप्त होने वाली है और यही प्रक्रिया आपको दोहरानी है नाग अभिषेक के बारे में भी। जो शिवलिंग पर धातु का नाग होता है या जो कोई भी नाग आपके जो शिवालय में या फिर घर में यदि आप शिवलिंग के पास नाग रखते हैं तो उसका अभिषेक भी ऐसा ही करना है। शिवालय में जो धातु के नाग होते हैं, तांबे के, पीतल के, उनका अभिषेक भी आपको ऐसा ही करना है। कैसे करना है? नवनाग स्तोत्रम बोलते हुए, जो नवनाग स्तोत्र है अनंतम वासुकिं शेषम पदम नाभं च कम्बलम, ये वाला बहुत छोटा सा स्तोत्र है, जिन शिव भक्तों को याद नहीं है वो लिख ले जाइए, एक कागज पर लिख लीजिए एक दिन पहले ही, और उसे बोलते हुए आप अभिषेक करिए। नवनाग स्तोत्रम का पाठ, जितनी देर वो दूध नाग के ऊपर जाएगा, अभिषेक करेगा नाग को, तब तक आपको नवनाग स्तोत्र का पाठ करना है। जिन शिव भक्तों को याद नहीं हो रहा है और ऐसी प्रॉब्लम हो कि एक हाथ से कागज हम कैसे पकड़ें और एक हाथ से दूध डालना है, पत्र भी पकड़ना है, ऐसा कंफ्यूजन होगा, तो एक काम करिए, उस पत्र को जेब में रखिए, जो कागज आप लेकर के आए हैं जिसपे स्तोत्र लिखा है उस कागज को जेब में रखिए, या फिर मोबाइल में देख करके आप कर सकते हैं। बाद में केवल पान के पत्ते को हाथ में पकड़िए और दूध से अभिषेक करते हुए शिव आभूषणाय नमः, इस प्रकार से आपको ये मंत्र बोलते हुए उस नाग को अभिषेक्त करना है। जब अभिषेक पूर्ण हो जाए तब आप शुद्ध जल से शिवलिंग को और नाग को दोनों ही स्नान करवाएं, गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद लिंगम को अच्छी तरह सूती वस्त्र से साफ करके, हो सके तो इस दिन पूरे लिंगम को ही आप चंदन से लेपित कर दीजिए
और इतना चंदन यदि आप ना घिस पाए, लिंगम बड़ा है, तो जितना हो सके उतना चंदन चंदन आप घिस करके शिवलिंग पर लेपित करें। और मोगरे के पुष्पों का ज्यादा इस दिन प्रयोग करें। मोगरा ना मिले तो गुलाब के पुष्प भी आज आप प्रयोग कर सकते हैं। यही प्रक्रिया आपको नाग पे भी दोहरानी है, जो धातु का नाग शिवलिंग पर है उस पर भी यही प्रक्रिया दोहरानी है। चंदन से नाग का तिलक करें, और हो सके तो केसर यदि आपके पास उपलब्ध हो तो थोड़ा केसर शिवलिंग पर, और थोड़ा केसर एक दो जो उसके तंतु होते हैं वो एक दो तंतु शिवलिंग पर और एक दो तंतु उस नाग पर भी रखिए और प्रणाम करिए। इसके बाद आपको 11 नागवल्ली पत्र लेने हैं और उनके ऊपर नमः शिवाय लिखना है, जो पान के पत्ते होते हैं। कुमकुम से नमः शिवाय लिखिए या केवल शिव नाम लिखिए, जो भी आपको सुविधानुसार लगे, केवल शिव या फिर नमः शिवाय ऐसा लिख करके वो 11 नाग वल्ली के पत्र या फिर पान के पत्ते कुमकुम जो कुमकुम से लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाइए। और ध्यान रखिए कि वो जो 11 पत्ते होंगे पान के पत्ते, उनका डंठल टूटा हुआ और आगे का जो नुकीला भाग होता है वो भी थोड़ा टूटा हुआ हो, ये दोनों साइड का तोड़ कर ही आप शिवलिंग पर इसे चढ़ाइए। धूप दीप आदि प्रदर्शित करें और फिर भगवान के समक्ष बैठ करके शिवलिंग के पास में बैठ करके नाग मुद्रा आपको लगानी है। नाग मुद्रा किस प्रकार से लगाते हैं यह मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से आप नाग मुद्रा लगा करके थोड़ी देर बैठिए और नाग का ध्यान करना है कुंडलिनी का, कि एक सर्प आपकी जो रीढ़ की हड्डी जहां से स्टार्ट हो रही है उस स्थान से एक सर्प धीरे धीरे उठता हुआ पूरा फन आपके मस्तिष्क तक फैला रहा है। ये कुंडलिनी शक्ति होती है, ध्यान का एक विषय होता है। ज्यादा डीप में यहाँ मैं सभी के लिए नहीं बता सकता, केवल इतना आपको 5 मिनट 2 मिनट ध्यान करना है और शिव आशीर्वाद आपको कर रहे हैं ऐसा आपको भावना करनी है। नाग मुद्रा लगा करके थोड़ी देर आप शिवलिंग के समक्ष बैठिए, उसके पश्चात आप नव जो नाग है उस स्तोत्रम का पाठ करें और साथ ही नाग नामावली जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, नाग नामावली का पाठ भी करिए शिवलिंग के समक्ष बैठ करके। और बाद में आप निवेदन करिए नागों से, कुंडलिनी में यदि कुंडली में कोई दोष है, यदि आपने कहीं कुंडली दिखाई है अपनी उसमें कोई दोष है नाग से संबंधित, तो नागों से प्रार्थना करिए कि उस दोष की शांति हो। साथ ही यदि दोष नहीं है तो भी सभी नागों से निवेदन करिए कि वो आपको आशीर्वाद दे। क्यों आशीर्वाद दें? क्योंकि आप शिवलिंग पूजा करते हैं, लिंगार्चन करते हैं, आप शिव पूजा में रत रहते हैं, इसलिए आपको वो आशीर्वाद दें और वो आशीर्वाद देंगे भी, क्योंकि एक शिवलिंग पूजा करने वाले की पावर बहुत अधिक होती है। जैसा मैंने बोला, पूरा ब्रह्मांड ही उस भक्त की सहायता करता है। साथ ही इस दिन आप शिवालय में नाग का दान भी कर सकते हैं, जो धातु का नाग होता है वो शिवालय में दान कर सकते हैं। नाग दान का क्या फल होता है वो मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, यहाँ आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जा करके देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो नाग का दान भी कर सकते हैं जिन भक्तों की कुंडली में दोष दिखाया हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो शिवलिंग पूजा करता है, लिंगार्चन करता है, उसे कोई भी दोष रहता ही नहीं, उसकी कुंडली में कोई भी दोष दिखाता होगा किंतु कोई भी असर या प्रभाव नहीं रहेगा, उल्टा शिव कृपा ही उसे प्राप्त होती है। और जो जिनके कारण दोष दिखा रहा है, जिनसे संबंधित दोष दिखा रहा है, वही उसको आशीर्वाद देते हैं। तो एक शिव भक्त को सदैव गर्व महसूस करना चाहिए कि वो उन इस पृथ्वी में कुछ उन विशेष लोगों में है जो लिंगार्चन के अधिकारी हैं। नैवेद्य में इस दिन आप खीर का नैवेद्य स्वामी के लिए लगाइए और इस दिन आप नमः शिवाय का 108 बार जाप करिए या 108 बार अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव बैठ करके शिवलिंग के समक्ष अरुणाचलेश्वर का ध्यान करिए। स्मरण मात्र मुक्ति प्रदायक श्री अरुणाचलेश्वर का ध्यान सभी पापों का नाश करने वाला है। देखिए, काशी में सब जाकर के मरे ये संभव नहीं है, कमलालय में सबका जन्म हो ये भी संभव नहीं है, नटराज में सब कोई हर कोई जाकर के दर्शन कर पाए ये भी संभव नहीं है। तो ऐसा एकमात्र स्थान है, एकमात्र स्वामी का विग्रह है, जो आप कहीं भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, वहां बैठ करके उनका स्मरण करिए तो ही आपको मुक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसे अरुणाचल का स्मरण कितना पुण्यदायक है, सदैव अरुणाचल शिव करते रहिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। अभी तक के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।